हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में मैं आपको क्रोशिया बिल्कुल बेसिक से सिखा रही थी, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे स्टिचेस बनाना सिखाए हैं, जिसमें आज हम एक नया स्टिच सीखेंगे जिसका नाम है पीकॉट, जो ज़्यादातर हमारे पास दुपट्टे पे इस्तेमाल होता है। तो हमने सिंपल पीकॉट करने के लिए तीन चेन करनी है, 1, 2 एंड 3। फिर हम अपना वर्क टर्न ओवर करेंगे। इसके बाद हम इधर अपने जो तीन चेन के बाद जो नीचे वाला, बिल्कुल तीन चेन की लाइनों में जो नीचे वाला स्टिच है, सबसे आप उस पर आ जाएं। उसमें आपने अपना क्रोशिया को इंसर्ट करना है, अपने उस पर क्रोशिया लेना है और आपने सिंपल आपने डीसी या फिर सिंगल स्टिच कर लेना है। फिर आप नेक्स्ट स्टिच पर आएंगे। यहाँ से आपने क्रोशिया लिया और आपके हुक पर मौजूद लूप में से आपने उस लिए हुए क्रोशिया को पास कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड अ स्लिप स्टिच। दोबारा देखें, मैं आपको स्लिप स्टिच दोबारा करना सिखाती हूँ। ये मेरे हुक पर एक लूप था, ठीक है। मैंने इसे हुक में स्टिच में इंसर्ट करा, क्रोशिया लेकर आई, नए वाले क्रोशिया को मैंने मौजूदा हुक पर जो लूप है उसमें से पास कर दिया। इस तरह से स्लिप स्टिच हो गया। मैंने अगेन तीन की चेन ली, ठीक है, और फिर मैंने ये इसमें से जो स्लिप स्टिच है मैंने उसमें अपना क्रोशिया को इंसर्ट करा, क्रोशिया लिया और सिंपल मैंने डीसी कर दिया। ये मेरा पीकॉट हो गया, ठीक है। मैं फिर नेक्स्ट स्टिच पर आई, मैंने स्लिप स्टिच करा इस तरह, मैंने इसके ऊपर तीन चेन बनाई और मैंने इसे इसमें स्लिप स्टिच में इंसर्ट करा, क्रोशिया लिया और सिंपल मैंने डीसी कर दिया। इस तरह से आप ये पीकॉट बनाएंगे। पीकॉट बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ये इतना नीट और क्लीन नहीं बनता। एक स्टिच आपका बहुत अच्छा बनेगा, फिर दो ख़राब बनेंगे, फिर एक अच्छा बन जाएगा, फिर दो चार ख़राब बनेंगे। ये बहुत टाइम टेकिंग स्टिच होता है, इसमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस इतनी जल्दी नहीं आती, आपको उसको बहुत बनाना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो और मेरे बेल के आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो से जल्द नोटिफाई हो सकें और इसको जल्द प्रैक्टिस करें और मुझे दोबारा ज्वाइन करें।